अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हलीमा, हलीमा जोन में आपको वेलकम करते हैं। और आज मैं अनदर वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो चुकी हूँ बग़ैर जिन बने। तो आज देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद मैं आज आपके सामने हाज़िर हो चुकी हूँ क्योंकि मैं रेडी हुई हूँ। पहले मुझे रेडी नहीं होना पड़ता था, जिन बनना पड़ता था। मतलब जिन बन के एक चादर ही सर पे करनी पड़ती है और एक क्लासेस लगानी पड़ती है और कैमरा ऑन करें और सामने बैठ जाएँ, फिर भी दो तीन दफ़ा वीडियो बनानी पड़ती है। कोई गलत अल्फाज जो है वो बोल देता बंदा, मतलब वर्डिंग गलत हो जाती है, तो फिर थोड़ी सी स्ट्रगल ये होती है। अदरवाइज और कोई स्ट्रगल नहीं आपको करनी पड़ती जिन बन के। तो इस वजह से ना मैं उसमें कंफर्टेबल थी, मेरी आंखें नज़र नहीं आ रही थी। और क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं और लोगों को लगता है कि मैं उन्हें डरा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये क्रिटिसाइज इस चीज़ पे किया जाता है कि तुम आंखें बहुत खोल रही हो। खैर, और आज ना मैं आपको अपने कुछ ड्रेसेस की ना डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, जो कि अभी न्यू कैटलॉग्स में से कुछ ड्रेसेस हैं। तो होपफुली आपको उनके डिज़ाइन अच्छे लगेंगे और आप उनको अपने ड्रेसेस वैसे डिज़ाइन आप करेंगे, आपको आसानी होगी ईद के ड्रेसेस जो हैं थोड़े बहुत वैसे डिज़ाइन करने में। तो जल्दी से चलते हैं अपने ड्रेसेस की तरफ। और उसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल का नाम है हलीमा जोन, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो सारी वीडियो देख लीजिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। भाई चलो जल्दी चलते हैं कपड़ों की तरफ। तो ये है मेरे ड्रेसेस। तो आज मैं सिर्फ 5 ड्रेसेस के डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज ही ये टेलर से आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप इसकी जल्दी से वीडियो बना लूं। और कुछ मैंने देख लिए, कुछ मैंने नहीं देखे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मारिया बी का डिज़ाइन ड्रेस। ये है मारिया बी का बहुत ही डिमांडिंग आर्टिकल। तो वैसे पिक्चर में आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, ये है इसके पिक्चर। पिक्चर में आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा स्किनी सा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर में लग रहा है, लेकिन रियल में भी बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ ये है कि कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पे लाइट्स होती हैं, लाइट्स की वजह से वो शेड जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके नेक लाइन की। नेक लाइन इसकी बिल्कुल सिंपल सी जो बोट शेप में होती है ना वो रखवाई है मैंने। और इस क्या ये ऑलरेडी बीट्स जो हैं ये लगे हुए थे और बाकी ये पैच वगैरह लगाए गए हैं। और जैसे मैंने सोचा था ये वैसे बिल्कुल भी स्टिच नहीं होकर आया। और अभी हमने इसको दोबारा ठीक करवाना है। मुझे लग रहा था, मैंने सोचा था कि या तो ग्रीन या पिंक जो है ना यहाँ पे पट्टी जो है वो लगवानी चाहिए थी। अभी इसको दोबारा हम वापस करेंगे ठीक करवाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि पिंक होनी चाहिए या फिर सिल्क की वाइट ऑफ वाइट जो है ना यहाँ पे पट्टी लगानी चाहिए। आप मुझे कमेंट्स करके ना ज़रूर बताइएगा कि मैं आप इसको क्या करवाऊँ, क्योंकि अभी इसका अभी जो बीट्स है ना वो और भी लगेंगे तब ये जाके फुली कंप्लीट होगा। तो मैं उससे पहले आपको दिखाना चाह रही थी ताकि आपने अगर ये बाय करना है तो मैं आपको बता दूँ कर लें, क्योंकि ये बहुत हसीन ड्रेस है मारिया बी का। स्लीव्स इसके देख लें, ये इस तरह से, और ये साथ पैच होता ना, ये वो इलादा से स्लीव्स के आगे लगाया गया है और ये भी पैच था, और ये सारा इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये वाला ड्रेस है। एंड इसके साथ जो ट्राउज़र है उस पर इस तरह से लगवाया है, ट्राउज़र बहुत खुला नहीं रखवाया, बॉक्स वाला, लेकिन सिंपल जो पेंसिल शेप में होता है ना ये वो ट्राउज़र है। तो मेरे हाथ यहाँ पे बहुत काले लग रहे हैं, रियल में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं वो देख के हैरान परेशान हूँ, ये आईफोन का कमाल है। तो ये इसका हसीन सा दुपट्टा, बहुत हसीन दुपट्टा है, सारी लेस खुद से लगवाई गई है और साथ इसके पट्टी। दुपट्टा इसका बहुत ही हसीन है, मुझे लगता है ज़्यादा कीमत जो है ना इसके दुपट्टे की। यहाँ पे ये पता है क्या है, ये इस तरह से है कि इसकी इस तरह से लेस लगाई गई है, इधर से ना ये सारा इसका पैच लगवाया है, तो इसकी स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा आई है क्योंकि ये सारा टेलर ने सारा पैच, ये जो लोन का ये वाला लोन का पीस था इसको इस तरह से पैच लगाना था, तो फिर लेस भी लगाई गई है और ये पट्टी भी लगाई गई है, तो ऑब्वियसली फिर पैसे तो दर्जी के बनते ही हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये ड्रेस है। अभी हमारे बीट्स उन्होंने ऐसे ही वापस कर दिए थे क्योंकि उन्हें पता था ये बंदी वापस भेजेगी ठीक करवाने के लिए, तो ये हम सारी चीज़ें दोबारा टेलर को देंगे, सारी चीज़ें नहीं सिर्फ शर्ट ही देंगे, तो इसको बीट्स भी लगाने पड़ेंगे।
और ये पट्टी जो है हम चेंज करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाला ड्रेस कैसा लगा, ईद के लिए ये ड्रेस कैसा है। तो नेक्स्ट जो है वो ये मैं इसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको इन्होंने जिस तरह से बनाया वो काफ़ी डिफरेंट है और मैंने जिस तरह से बनवाया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसकी प्राइस सामने मेंशन है, देख सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले नेक की बात करते हैं। ये वाला जो पैच था ये इलादा था और इसको मैंने खुद से ना यहाँ पे मैंने उन्हें बोला था कि नेक के साथ बिल्कुल आपने अटैच करना है। तो बिल्कुल छोटा सा हमने नेक जो है वो रखवाया है मैंने। और यहाँ पे ये चिकनकारी का सारा इसका काम है और यहाँ पे शटल लेस लगा के और सिल्क की पट्टी लगा दिया इसके साथ दिया हुआ था जो पैच, ये इस तरह से साथ इसके ऐड कर दिया है। लेंथ आजकल जो लॉन्ग भी चल रही हैं शॉर्ट भी चल रही हैं, तो ये आप पे है कि आप किस तरह की पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी ये पैच लगाया है और सामने से ये इसको कट्स इस तरह से कट्स इसके दे दिए। बैक साइड पे ना इसके बटन लगवा दिए, बटन लूप्स के साथ ये लगवाए हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन बटन्स जो हैं वो मुझे ये वाले अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कपड़े के बोले थे लेकिन उन्होंने ये वाले लगा दिए हैं, तो ये भी इस तरह से दिखाना ज़्यादा बेटर है रादर देन के वैसे। तो यहाँ पे ये है इसका ट्राउज़र, तो ट्राउज़र के नीचे इस तरह से ये जो पैच था ये लगवा दिया और सिंपल इस तरह से ये इसका ट्राउज़र। और ये है साथ इसका दुपट्टा, खूबसूरत सा दुपट्टा। बाकी सारा जो है सेम इसी तरह से है और यहाँ पे ये पैच लगवाया है। एक तो डिज़ाइनर की मत मारी हुई है कि उन्होंने साथ पैच इलादा दे देते हैं जिसके इलादा से हमें पैसे देने पड़ते हैं और प्लस दर्जी ने अपनी सिलाई के भी पैसे लेने होते हैं, पैचेस के भी पैसे लेने होते हैं, फिर बटन लेसेस वगैरह वो भी, और उसके साथ दर्जी साहब अपने पेट्रोल के भी पैसे लेते हैं क्योंकि तीन तीन चार चार तो उन्हें भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ से कट्स में मैं नहीं करवाया गया, सीधा ही रखा है क्योंकि ये टेढ़े हो जाते हैं, इतने अच्छे नहीं वो लगते अगर इसको इस तरह से कट में करवाएं। वैसे जो मॉडल ने पहना हुआ उसने कट्स में इसको इस तरह से कट वर्क जो होता है ना वो करवा के फिर पहना है, लेकिन मैंने इसी तरह से रखवाया इसको। और ये बैक साइड पर इस तरह से पट्टी लगवा के सिल्क की और शटल लेस लगवा दिया था। इलाफ था ये ड्रेस, तो ये ड्रेस इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी हुई है, तो आप ये गौर से देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करवाई। तो ये सिंपल ही मैंने रखा है। ये इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत अच्छा है लेकिन टेलर ने ऐसा नहीं बनाया, जो कि मुझे लग रहा है गलती की है। ये बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन लग रहा है, तो ये आप देख सकते हैं इसको आप कैरी आप अगर बनवाना चाहे तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं। ये नीचे पहले लेस लगाई है, फिर सीधी लेस है, फिर आगे पिंटेक्स कहते हैं उनको, ये उससे थोड़ी बड़ी है। तो ये फ्रंट पे इस तरह से इन्होंने ये लगाया और बाकी सारी लेसेस वगैरह दुपट्टे पे लगा दिए हैं। प्लस ये है बहुत ही खूबसूरत इसका कलर, ये लाफ का ड्रेस है और ये बहुत ही मज़े का है, चिकनकारी में है। फ्रंट इसकी बैक इसकी इस तरह से सेम है लेकिन जो फ्रंट है ना इसकी वो बड़ी मज़े की है। और यहाँ पे स्लीव्स पे इस तरह से बटन्स लूप्स के साथ लगवाए हैं ताकि इसकी फिटेड जो है स्लीव्स हैं, ताकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो फिर आपको ऊपर करने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये सिंपल इसी तरह से प्लस फ्रंट से इसको इस तरह से इतना अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है ये। और फ्रंट पे इसकी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है और गला इसका इस तरह से सिंपल सा है और नीचे वाले साइड से इसको कोई लेसेस वगैरह नहीं लगवाई, इसको सिंपल ही रखा है। तो ये नीचे से इस तरह से कि कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये देखिए खुद आप देख सकते हैं। तो अगले ये वाला है इसके साथ भी, इसको भी ना सिंपल ही इस तरह से पट्टी लगा के और शटल लेस लगा दिया है और ट्राउज़र इसका बॉक्स वाला रखा है। मैं जल्दी जल्दी आप, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ, तो इसको ख़त्म करते हैं। सो गाइस अब मैं ये वाला ड्रेस आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि है सोबिया नज़ीर का और बहुत ही खूबसूरत लॉन का ये ड्रेस है। ये सारे कपड़े जो है ना ऑनलाइन ही बाय किए मैंने। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसकी मैंने ना खुद उन्हें बोला था कि इस तरह से आपने बनाना है। पैन इसका रखवाया है प्लस इसके साथ ये शटल लेस जो है ये ऐड करवाई है और ये बटन्स जो हैं खूबसूरत से ये लगवा दिए हैं। एंड ये खुला कुर्ते की तरह रखा है और
ये इसके स्लीव्स, और स्लीव्स पे ये जो पैच था ये लगवा के, और प्लस इसके आगे ये लेस लगवाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से ये जो है ना, इस तरह से ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और डिफरेंट सा थोड़ा सा बाकी कपड़ों से ना डिफरेंट हो गया बाकी डिज़ाइन से। जो चाक है ना वो शॉर्ट वाले रखें, और इसको भी सेम वैसे ही पट्टी लगा के और साथ शटर लेस लगा दिया, और नीचे लेस ऐड करवाई है ताकि इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ना डिफरेंट हो जाए। ये इसका ट्राउज़र है, प्लस इसके साथ ये दुपट्टा बहुत ही हसीन सा शिफॉन का, और ये वाला शिफॉन का दुपट्टा काफ़ी अच्छा है रेदर देन कि आप खाड़ी से जो लेते हैं, खाड़ी के दुपट्टे बिल्कुल भी इतने गंदे दुपट्टे सर पे तो टिकते ही नहीं हैं। तो इसके साथ इस तरह से ये लगा के शीटर लेस लगा के दैट्स इट। सॉरी, नेक्स्ट पे क्या चलना है, बाकी सारे कपड़े हो गए और जो कुछ बाकी रह गए हैं वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सारे मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं, और कुछ मेरी सिस्टर के हैं और कुछ मेरे हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी मैंने इतना गन डाल दिया, और आपने अगर मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और मेरी वीडियो को लाइक ना किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, आपको इतने डिज़ाइन दिखाने के बाद आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, आप लाइक भी नहीं करते, तो फिर फ़ायदा नहीं है इतनी देर इतना टाइम। सो गाइज, होपफुली आज जो मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए हैं उनके डिज़ाइन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको उनसे फ़ायदा होगा। आप भी अपने ईद के ड्रेसेस के जो डिज़ाइन हैं वैसे बनवा सकते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने वानिया की वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैं सच बता रही थी कि बिल्कुल भी वानिया के ड्रेसेस का जो कपड़ा है ना, पैराशूट की तरह है, बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है। बाकी उनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, और इसी तरह आप खुद से बना के ना थोड़ा सा डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट कर। और इतनी ज़्यादा बातें नहीं आती मुझे, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।